मेरे को याद है जब पहला सत्याग्रह शुरू हुआ 14 नवंबर 1952, जब प्रजा परिषद ने दो कार्यकर्ता जिनको आगे किया, प्रेमनाथ डोगरा जी और बलराज मथुर। प्रेमनाथ डोगरा जी की आयु 68 वर्ष थी। आज लोग कहते यार रिटायर हो जाओ, कितने बैठो रामलाल मंदिर मंदिर के मत्था टेको, वो आंदोलन के लिए सामने आए। वो छोटे घर के नहीं थे, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, डीसी थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को चुना। गोलियां चली, कहीं 7 मरे, कहीं 200 लोग मरे, इतने हालात थे कि ये हीरानगर में प्रजा परिषद के लोग विज्ञापन देना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे उस समय के जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को, और 200 लोगों पर 250 राउंड फायर किया गया, 2 लोग शहीद हुए। फिर किसानों ने आंदोलन किया, 7 लोग शहीद हुए। पता नहीं कितने जेल में गए, कितनों की टांगे टूट गई, कितनों को अपाहिज कर दिया। लड़ाई चली, पूरा देश उसमें शामिल हुआ, और लड़ाई इतनी जबरदस्त चली कि वो बंगाल में रहने वाले जो समय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने देश की सत्ता की चाबी को छोड़ा लोक मंत्री बनने के लिए, पार्टियां बदलते। उन्होंने कहा मैं देश के उद्योग मंत्री के पद को छोड़ता हूं, लेकिन देश की जमीन की, देश की सत्ता की लड़ाई छोड़कर देश की धरती की लड़ाई लड़ने के लिए। और जनसंघ बना। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष ने बलिदान दिया। जब वो आए तब आप हैरान होंगे कि उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यक्तिगत सचिव के रूप में आए, और ये माधोपुर का बॉर्डर, यहां परमिट लगता था यानी वीजा लेना पड़ता था, और वीजा किसको मिलेगा ये शेख अब्दुल्ला की सरकार तय करती। उन्होंने कहा मैं वीजा नहीं लूंगा, मैं परमिट नहीं लूंगा, एंटर होऊंगा जम्मू कश्मीर में। चले, यहां पहुंचे माधोपुर के बॉर्डर पर, पुलिस ने उनको रोका। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मेरी जमीन है, मेरी मातृभूमि है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये मेरी मातृभूमि, मैं यहां जाऊंगा। उन्हें अरेस्ट कर लिया। तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके व्यक्तिगत सचिव थे, उन्होंने कहा था Go Atal to save the nation, Mukherjee arrested but entered in Jammu and Kashmir without permit.